स्ट्रिक्ट मोड में गाइस पता नहीं चलता कि यार बहुत ही ज़्यादा पावर है इसमें। अब यहाँ से निकलते हैं बिकॉज टाइम 12:00 हो चुके हैं एंड यहाँ से निकल चुका हूँ। ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप यूर गाइस आर परफेक्टली ऑलराइट। सो थैंक यू गाइस फॉर कंप्लीटिंग 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं अपने यूट्यूब पे, तो थोड़ी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। सो काफ़ी टाइम से चल रहा था कि एंटॉक के ऊपर वीडियो बनाया जाए एंड यूजुअली गाइस मेरे फ्रेंड ने एंटॉक की डिलीवरी ले ली, एंटॉक का न्यू मॉडल उसने ले लिया, उस वक्त मैं नहीं था बिकॉज सम रीजंस। सो या कोई थोड़े से इश्यूज थे तो दैट्स वाई एंड लॉकडाउन भी मतलब चल ही रहा था तब उसने डिलीवरी ले ली जल्दी जल्दी में, इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया डिलीवरी के ऊपर। बट यस ये देख सकते हो एंटॉर्क 125 सही लगती है बाइक, बाइक ही बोलूँगा इसको, स्कूटी नहीं बोलूँगा बिकॉज स्पोर्ट एडिशन है। तो आज गाइज उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले कैसी है एंटॉर्क। मैंने कभी नहीं चलाई अभी तक एंटॉर्क, फर्स्ट टाइम चलाऊंगा, फर्स्ट टाइम रिव्यू दूंगा आपको एंड जनरल रिव्यू होगा गाइज जो भी होगा वो। सीधा गाइज वहीं पे स्विच होते हैं। सो दिस इज ब्रांड न्यू एंटॉर्क गाइज PS6 मॉडल 2022 एंड बहुत ही बढ़िया लग रही है, सेक्सी लग रही है बाइक 125cc। सो शुरू करते गाइस वॉक अराउंड रिव्यू से। सो यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिलता है ब्लैक कोटिंग में, ये सही लग रहा है एंड यहाँ पे लिख रहा है स्मार्ट कनेक्टेड। सो या एंड यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं इंडिकेटर्स जो कि बहुत ही सही लग रहे हैं। यस एंड एक चीज़ है गाइस, 1000 का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है बिकॉज स्कूटीज़ में 1000 का ऑप्शन देखने के लिए मिलता नहीं है बाइक्स में भी, बट यहाँ पे अवेलेबल है 125cc में। हालांकि अभी की बाइक्स जो स्कूटीज़ आई है उसमें 1000 का ऑप्शन दिया हुआ है अवेलेबल है, बट दिस इज फर्स्ट स्कूटर आई थिंक सो कि इसमें 1000 का ऑप्शन अवेलेबल है PS4 से आई थिंक। तो नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल जाती है TVS की ब्रांडिंग विद द ब्लैक कोटिंग कलर एंड ये गाइज ये जो है गाइज वो है रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन। सो ये मेरे को बहुत ही सही लगती है बिकॉज यार देखने के लिए बहुत ही बढ़िया लगती है। सो आगे बढ़ते गाइज तो यहाँ पे रेड कोटिंग में अपने को देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे है नहीं बट जो कर्व्स है गाइज वो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, लुक बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। राइट साइड की तरफ चलते तो एंटॉक की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है विथ यहाँ पे लिखा है FI एंड यस। सो आगे बढ़ते गाइस, सो यहाँ पे एक DRL है एंड काफ़ी बाइक्स में गाइस मतलब स्कूटीज़ में DRL नीचे नहीं होता है, एंटॉक में DRL नीचे दिया हुआ है एंड हाली अभी यामा के मैंने देखे वो DRLs नीचे आ चुके हैं, बट ये भाई साहब मेरे को बहुत ही सही लगती है एंड जो DRL है गाइस वो बहुत ही मतलब कि शेप ही देख लो आप अलग ही लग रहा है एंड बहुत ही सही है। सो आगे बढ़ते हैं गाइस, सो टायर की बात कर लेते हैं तो फैटी टायर अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे, ट्यूबलेस टायर है 80x100 के 12 इंच के ट्यूबलेस टायर विद द डिस्क गाइस 240mm की डिस्क है, बहुत ही बढ़िया है सही है। सो आगे कंपेयर भी करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं गाइस, सो ये रहा डैशबोर्ड एंड यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल जाता है ब्लूटूथ, आप गाड़ी चला रहे होंगे एंड फ़ोन वगैरह सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, फ़ोन देखना है किसका फ़ोन आया तो आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है एंड डिफरेंट मोड्स है यहाँ पे, रेस मोड, फिर लैब मोड मिलता है आपको, फिर स्ट्रीट मोड मिलता है, तो ये तीन मोड यहाँ पे अवेलेबल दिए गए हैं विद दिस। सो यहाँ पे गाइस अपर डिपर के ऑप्शंस हैं, लेफ्ट टर्न राइट टर्न इंडिकेटर्स ऑन एंड यहाँ पे गाइस इंजन स्किल स्विच का बटन मिलता है आपको एंड दिस इज वॉज 1000। सो या एंड दिस इज वॉज स्टार्टर एंड यहाँ पे गाइस मोड का ऑप्शन दिए, तो यहाँ से भी मोड आप चेंज कर सकते हो या एंड बहुत ही सही लग रहा है रेस XP। सो काफ़ी गाइस यहाँ पे भी स्पेस मिलती है आपको देखने के लिए मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाती है काफ़ी। आगे बढ़ते हैं गाइस तो यहाँ पे सीट पोजीशन दी हुई है, तो यहाँ पे अपने को ठीक स्टाक मिल जाती है, पिलियन एंड राइडर के लिए कम्फर्ट है बहुत ही बढ़िया एंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एंटॉक की ब्रांडिंग दी है 125cc विद द 1 foot टेस्ट। सो यहाँ पे एक लेडीज़ के लिए ये दिया है फुट रेस्ट दिया हुआ है, तो ये भी सही है एंड रेस रेडी टू रेस या एंड पीछे की तरफ आते हैं तो ये भाई साहब बहुत ही ब्रेक का जो DRL है वो बहुत ही सही लग रहा है यहाँ पे एंड दिस वाज अमेजिंग गाइस, ये मेरे को सही लगता है
अदर स्कूटीज से। इसका लुक जो है वो बहुत ही सही लग रहा है। सो या एंड यहाँ पे इस साइड से भी देख सकते हो वही है एंटॉक 125 cc। सो फ्यूल टैंक को अपने को स्कूटीज़ में अलग से देखने के लिए मिल जाता है, मतलब कि अंदर होता है, बट इसका बाहर है एंटॉक। सो या सो चाबी खोल के दिखा देते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन है एंड ये मेरे को सही लगता है बिकॉज कि पेट्रोल पंप पे आप खोलो एंड उतरो, फिर आपको ये उठाना पड़ता है एंड फिर आपको खोलना पड़ता है। सो अंदर की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल जाता है पेपर वर्क्स या फिर या कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, बट ये जो ये रबर है वो जल्दी टूट जाएगा मेरे हिसाब से बिकॉज इसका कोई गारंटी नहीं है बिकॉज ये थर्ड पार्टी आई थिंक यूज़ किया हुआ है। सो यस एंड बहुत ही बढ़िया स्पेस देखने के लिए मिल जाती है आपको एंटॉक में, तो ऐसा नहीं है कि एंटॉक में स्पेस नहीं देखने को मिल जाती। फिर गाइज यहाँ पे चार्जर का ऑप्शन मिलता है तो समझ रहे हो ना, एंड यहाँ पे गाइज आपको LED मिलती है एक छोटी वाली, जब आप उतरोगे फिर कुछ सामान रात में आपको निकालना होगा तो यहाँ से आप LED यहाँ पे दी हुई है तो बहुत ही बढ़िया है। एंड चार्जिंग सपोर्ट बहुत ही सही दिया हुआ है तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। सो इसे बंद करते हैं। सो बात करते हैं गाइज इंजन के बारे में। सो फोर्स वन सिलेंडर फोर स्ट्रॉक SI कंपार्टमेंट में फुल फ्यूल इंजेक्टेड आपको इंजन मिलता है यहाँ पे। पावर की बात कर लेते हैं। सो 7500 RPM पावर जनरेट करता है 10.8 Nm के साथ एंड 5500 RPM टॉर्क जनरेट करता है 10.2 Nm के साथ। सो यह सही है, थोड़ा सा BS4 से थोड़ा ऊपर उठी है मतलब पावर में। सो 125 cc के हिसाब से बहुत ही सही है पावर इसका एंड मेरे को बहुत ही बढ़िया कंफर्ट लगा। सो बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। सो मेंटेनेंस गाइस इसका लो कॉस्ट मेंटेनेंस ही बोल सकते हैं बिकॉज स्कूटीज का मेंटेनेंस इतना नहीं होता, हालांकि मतलब कि BS6 में होगा बट लो कॉस्ट मेंटेनेंस ही होगा इसका। सो बात कर लेते हैं सस्पेंशन के बारे में। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अपने को देखने के लिए मिल जाता है विद हाइड्रोलिक ड्रैम। सो ये सस्पेंशन अपने को देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में एंड रियर में कॉइल स्प्रिंगिंग विद हाइड्रोलिक ड्रैम सस्पेंशन हाई ड्रैम। सो या ये सस्पेंशन अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं इन एंटॉक। सो अभी इसको चलाते हैं। सो फर्स्ट राइड रिव्यू लेते हैं इसका। ओके ओके इसका जो साउंड है गाइस बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सो बहुत ही स्मूथ साउंड कर रहा है एंड जो हॉर्स पावर है ना वो सही है इसमें। सो अभी चलाते हैं इसको, राइड लेते हैं। ओहो सो बहुत ही सही है, मतलब कि यार और कौन सी स्कूटी से कंपेयर किया जाए ना तो मैं यही चूज करूंगा, ये आपको सजेस्ट करूंगा बिकॉज ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है एंड अभी ये स्ट्रीट मोड पे है। सो बहुत ही कंफर्ट है यार, मतलब सीट में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड चलाने के लिए भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सो यही से अपन टर्न मार लेते हैं। ओहो तो हैंडलिंग में भी बहुत ही सही है गाइस, अभी हैंडलिंग किया ना तो बहुत ही सही लग रहा है मेरे को। एंड गाइस जो स्पोर्ट्स मोड स्ट्रीट मोड है गाइस आपको, सो स्ट्रीट मोड में आपको एवरेज माइलेज मिल जाता है। माइलेज की बात कर लेते हैं तो माइलेज आपको लगभग सिटी में 45 से 50 के अराउंड आपको माइलेज मिल सकता है एंड हाईवे में गाइस अपने को 50 के ऊपर मिल सकता है, 55-54 के आसपास अपने को माइलेज देखने के लिए मिल जाता है। और क्या चाहिए गाइस, मतलब पावर एंड स्टेन सब कुछ है सो अपने को देखने के लिए मिल जाती है। सो या थोड़ा सा चलाते और फील लेते बाइक का। स्कूटी में एक ही चीज का दिक्कत होता है स्पीड ब्रेकर्स बिकॉज टायर छोटे होते हैं ना। ओ ओ सो ये स्ट्रिक्ट मोड में गाइस पता नहीं चलता कि यार बहुत ही ज्यादा पावर है इसमें, बहुत ही ज्यादा पावर है एंड मेरे को बहुत ही पसंद आया एंड डिस्क भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, बराबर से कंट्रोल हो रहा है डिस्क का काम भी।
बट जो स्कूटीज है गाइस वो स्पीड ब्रेकर के हिसाब से थोड़े से कम झुकते हैं। सो प्राइस की बात कर लेते हैं गाइस, तो प्राइस लगभग गाइस अपने को एक्चुअल प्राइस है 97,877 रुपीस ऑलमोस्ट। एंड ऑन रोड प्राइस जो है गाइज इसका जो है वो है लगभग 110,000 के ऊपर चला जाता है, 110,000 के ऊपर चला जाता है। एंड जब आप EMI पे लेते हो तो और भी हो सकता है 130,000 के आसपास जाता है। ये जो बाइक है गाइज वो EMI वाला है, सो ये लगभग EMI पकड़ के लगभग 130,000 के ऊपर चला गया, 130,000 के ऊपर। या गाइज आपको ये मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक एंटॉक स्कूटी लवर हो एंड आपको ये चाहिए, एक ब्राइक के प्रकार की है, सो आप ये ले सकते हो। सो या सजेस्ट जरूर करूंगा। सो आशा करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और एंटॉक के ऊपर वीडियोस चाहिए एंड डू कमेंट गाइज कोई ये होगा तो। सो मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अभी के लिए गाइज बाय बाय। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अभी के लिए गाइज बाय बाय। चल तो गाइज।